सो है गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज हमें पुराना खंडर मिला है जिसके अंदर बहुत से सामान पड़े हैं, और उसको देखते ही लगता है कि पहले यहाँ पे कोई रहता था, लेकिन कौन रहता था उसको आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो में पूरा बने रहेगा, वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए, मैं आपको खंडर के अंदर लेके चलता हूँ। आइए दोस्तों, और तो इस खंडर के बाद देखिए, पुरानी साइकिल भी पड़ी है एक, जो पूरी ख़राब हो चुकी है, और इस साइकिल का टायर भी इधर देख सकते हैं आप, ये पूरा ख़राब हो चुका है टायर इसका। तो दोस्तों, आपको अंदर का सामान और दिखाते हैं। आइए आइए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एक पुरानी शटर फ्री है यहाँ पे। तो देख कर यह लगता है कि ये बहुत पुराना खंडर है, और इसके अंदर भी आ सकते हैं दोस्तों आप, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसके अंदर, लेकिन फिर भी आ जाइए आप दोस्तों। और देखो दोस्तों, यहाँ पे सामान भी पड़ा हुआ है, इसलिए भी लगता है यहाँ पे पहले वो रहता था। एक बार मैं इस सामान को खोल के देखता हूँ। अब इसके अंदर बहुत सी औजार दोस्त, ये थोड़ी है, ये सोने का तराजू भी रखा हुआ है इसके अंदर, और भी बहुत सारे सामान भी है इसके अंदर, और ये फावड़ा देख सकते हैं आप खोदने वाला। इस वजह से लगता है कि यहाँ पे पहले भी कोई रहता था। और भी सामान, बहुत से सामान है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, जानवरों को बांधने की बैल थी इसके अंदर, और यहाँ पे कुछ मन और भी पड़ा हुआ है। तो ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अब, कौन रहता था यहाँ पे। इसके अंदर भी कुछ सामान लगता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे पक्का ही कोई रहता था। ये देखिए दोस्तों, ये बर्तन में यहाँ पे खाना बनाने का, और ये यहाँ पे कपड़े भी पड़े हैं। देखिए, ये हम लोग खोल नहीं सकते दोस्त, क्योंकि इनके अंदर से बहुत ही बदबू आ रही है। और ये कुछ और सामान भी है यहाँ पे, जैसे कि ये प्याला भी है, कुछ सामान और भी है यहाँ पे, तो आपको दिखाने वाला वो साइड में सामान, और ये बड़ा सामान और, लेकिन कौन रहता था इसका तो मुझे भी नहीं पता है दोस्तों, लेकिन इसी वजह से ये लगता है कि यहाँ पे कोई रहता था। ये देखिए, कुछ सामान और भी है इसके अंदर, ये देखिए, ये चमचे खाना बनाने वाली, और भी बहुत सामान इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये जैसे कपड़े पड़े हैं इसके अंदर, ये पैक है दोस्तों। मतलब कि पूरा यकीन हो गया कि इस खंडर के अंदर कोई रहता था, लेकिन वो अब नहीं रहता है। लेकिन क्यों नहीं रहता है उसका तो मुझे भी नहीं पता है। अब वो आएगा तब भी पता चलेगा कि वो क्यों नहीं आ रहा अब तक। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।